प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे सम्मान मिला है कि आप मेरे साथ प्रभु के वचन को बांटने के लिए यहाँ आए हैं। आज का कार्यक्रम एक विशेषता लिए है और ऐसा हम समय समय पर करना चाहते हैं। आज हम कुछ समय लेंगे ताकि आपको ये बता सके कि यीशु मसीह द्वारा प्रभु से व्यक्तिगत संबंध का अर्थ क्या होता है। शायद आपने ऐसे शब्दों को सुना होगा जैसे उद्धार पाया या नया जन्म पाया। बाइबल यूहन्ना 3:3 में कहती है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए मनुष्य को नया जन्म पाना आवश्यक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आत्मिक रूप से नया जन्म पाना, न कि शारीरिक नया जन्म, वरन आपकी आत्मा का जागरूक होना ताकि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सके। शायद आप कार्यक्रम देख रहे हैं, धर्म के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यीशु क्रिस्त को वास्तव में आप नहीं जानते। और अधिकांश लोगों के साथ यही समस्या होती है। उनका प्रभु में विश्वास है, ऐसा विश्वास जो मानसिक है। वे चर्च जाते समझते कि उनका कर्तव्य है, उन्हें शायद ऐसा करना सिखाया जाता है और वे समझते कि ऐसा ही करना सही है। लेकिन हालांकि वे सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सारी आज्ञाओं को मानते हैं, अपना सर्वोत्तम करते हैं, लेकिन कहीं भीतर उनके जीवन में खोखलापन है। क्या आप जानते कि हम में से हर एक के अंदर प्रभु आकृति का छेद है जिसे केवल प्रभु ही भर सकता है। मैं आप लोगों को कार्यक्रम देखने को प्रोत्साहित करती हूँ ताकि आप सीख सके कि यीशु मसीह द्वारा प्रभु से व्यक्तिगत संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो फिर भी कार्यक्रम को देखें ताकि दूसरों के लिए साक्ष्य बनने में ये आपकी अच्छी तरह से मदद कर सके। आज की शिक्षा का आनंद लें। व्यवस्था विवरण 30, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, जीवन को चुनो ताकि तू और तेरा वंशज जी सके। मैं नहीं जानती आप कहाँ से आए हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि देखिए आप मुझे नहीं समझती, नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मेरी पृष्ठभूमि क्या है और मैंने इतने बुरे काम किए कि न जाने प्रभु मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहेगा भी या नहीं, एक बात बताओ, मैं जानती हूँ कि चोट खाना किसे कहते हैं, दुर्व्यवहार क्या होता है। जानती मेरा यौन शोषण मेरे पिता द्वारा हुआ था 15 सालों तक निरंतर। मेरी माँ नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे करे, इसलिए परिस्थिति से दूर भागती रही और अंत में मानसिक रोग का शिकार बन गई। मेरा एक भाई है, उसका जीवन भी इस तरह के दुर्व्यवहार के कारण बिखर गया था। मुझे बहुत 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 समय लगा इस बात से उभरने में ताकि शैतान की मेरे जीवन को नाश करने की योजना को तोड़ सकूं। लेकिन प्रभु अच्छा प्रभु है, प्रभु भला है। इतनी गहरी कोई खाई नहीं कि प्रभु का हाथ वहां तक ना पहुंच सके और वो आपको उठा ना सके। वो आपकी मदद कर सकता है हर लत को छुड़ाने में, हर आदत को छुड़ाने में, किसी भी तरह के अतीत को। ऐसा कोई भी नहीं जिसने बहुत ज्यादा गलत काम किया हो कि प्रभु उसके जीवन से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़कर उसकी मदद ना कर सके, क्योंकि प्रभु को आपसे प्रेम है। मैं जानती हूँ कि ये बात हम बहुत सुनते हैं और हर जगह कहते भी रहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चों से कहती है, कहना चाहती हूँ कि प्रभु को आपसे प्रेम है, वो सचमुच आपसे प्रेम रखता है। आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका प्रेम इस बात पर आधारित नहीं है, उसका प्रेम बिना शर्त के है और आपसे प्रेम करता है क्योंकि वो वही है, प्रभु प्रेम है। भजन संहिता 27:10 कहता है, भले ही मेरे माता और पिता ने मुझे छोड़ दिया हो, प्रभु मुझे सम्मान देकर उठाएगा और मुझे अपना पुत्र मानेगा। देखिए आज इस संसार में बहुत से पिताहीन बच्चे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो टूटे परिवार से हैं और घर पर सही पिता की छाया उन्हें नहीं मिली थी, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी सही परवरिश ना हो सकी। मुझे प्रतीति है कि आजकल की विशेषकर युवा पीढ़ी आत्मिक माँ बाप की तलाश में है और वैसे लोगों की तलाश में है जो उन्हें प्यार से पाल सके, ऐसे लोग जो उन्हें सत्य बता सकें, ऐसे लोग जो ज़रूरत के समय उनका सामना कर सकें लेकिन संपूर्ण रूप से प्रेम भी कर सकें। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु को आपसे प्रेम है और आपके लिए उसके पास भली योजना है। चाहे आपके साथ अतीत में कुछ भी हुआ हो, दोबारा आरंभ करने में देरी नहीं हुई है, दोबारा आरंभ करने में कभी देरी नहीं होती है, इसे आप समझ लें। मैं एक मिनट के लिए प्रभु का वचन आपको राजी करने का अवसर दूंगी कि बाइबल आपके जीवन के लिए प्रभु की योजना के बारे में क्या कहती है। यूहन्ना 3:16 ऐसा अध्याय है जो अधिकांश लोग सुनते हैं। राजाओं के वृत्तांत से आपका परिचय इससे हुआ होगा, मैं इसे आपके लिए एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़कर सुनाऊंगी। ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई मुझे ये पसंद है, ये नहीं कहता ताकि विशेष लोग, ताकि कुछ लोग, ताकि थोड़े लोग, या फिर ऐसे लोग जो खास, ये कहता है ताकि जो कोई, जानते इसमें आप सब भी शामिल हैं। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। वैसे भी आप किसी पर तो विश्वास करेंगे ही। तो क्यों ना ऐसी चीज पर विश्वास रखें जिससे आपके जीवन में भलाई उत्पन्न हो। मैं लोगों से कभी कभी कहती हूं, देखिए अगर आप गलत हैं और प्रभु में आपका अविश्वास है तो आप सचमुच बड़ी भूल कर रहे हैं, मगर अगर मेरा प्रभु में विश्वास है और मैंने गलतियां की हैं तो भी मैंने कुछ नहीं खोया। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो विश्वास करती और प्रभु को अपने जीवन में एक मौका देती। अपना विश्वास स्वयं पर न रखे, अपना विश्वास पैसे पर न रखे, सांसारिक पद्धति पर अपना विश्वास न रखे, विश्वास शिक्षा प्रणाली पर न रखे, अपने मित्रों पर अपना विश्वास न रखे, प्रभु में अपना विश्वास रखे। मेरी मानिए उसका मार्ग बेहतर है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आपका मित्र बनना चाहता है। मैं चाहती हूं कि आप इस पर गौर करें। आपका मित्र, प्रभु आपका मित्र बनना चाहता है। वो क्षमा करना चाहता है आपके सभी 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 पापों को और चाहता है कि आपको एक भविष्य दे। विश्वास कीजिए, आज यहां पर ऐसे लोग हैं। विश्वास कीजिए, यहां पर हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें एक मित्र की आवश्यकता है, जो चाहते कि उनके पाप क्षमा किए जाएं और उनका एक भविष्य हो। देखिए हम सभी ने पाप किए और प्रभु की महिमा में खरे नहीं उतरे हैं। पाप तो पाप ही हैं, वे छोटे बड़े या मध्यम वर्ग के नहीं होते हैं। तो इस सोच से बाहर आइए कि देखो मैंने सचमुच कुछ बुरे काम किए हैं। पाप तो आखिर पाप ही है, इसीलिए प्रभु की आवश्यकता हमें होती है। पाप हमारे जीवन में दाग छोड़ जाता है। मैं पहला योहन्ना 3:8 को देख रही थी। वो कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इस उद्देश्य से वो आया कि शैतान के कामों को नाश करे। लेकिन एम्पलीफाइड बाइबल कहती है कि वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को हटा सके। मुझे अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। मेरे घर में एक सफेद कारपेट है और जानते 3 हफ्ते पहले मैंने उस पर कॉफी गिरा दी और बाप रे भद्दा दाग पड़ गया। उसी वक्त मैंने इंटरकॉम पर अपनी हाउसकीपर को बुलवा भेजा। मेरी हाउसकीपर आई और मैंने उसे कहा कि सिंडी देखो मैंने कारपेट पर कॉफी गिरा दी। वो तुरंत स्टेन रिमूवर लेकर वापस आ गई। आप प्रभु को भी स्टेन रिमूवर की तरह समझे। उसका लहू आपके जीवन में दाग निकालने वाला एक द्रव्य है। अगर मैंने उस स्टेन रिमूवर के बिना खुद ही उस दाग को निकालने की कोशिश की होती तो वो दाग और भी भद्दा होता जाता, फैलता जाता और भी गहरा और गहरा और गहरा और गहरा होता जाता। ये पर्याप्त नहीं होता कि मैं खुद अपने आप उस दाग को निकालने की कोशिश करती। मुझे एक घोलक द्रव्य की जरूरत थी, ऐसी चीज की जरूरत थी जो उस दाग को पूरी तरह दूर कर सके। न जाने उसमें क्या था लेकिन उसने उस दाग पर द्रव्य डाला, कुछ पेपर के तौलिए लिए और उस दाग को सोखने लगी और वो दाग हटने लगा, कारपेट से ऊपर आने लगा। सिंधी ने थोड़ा और द्रव्य डाला, फिर पेपर से उसे सोखा, द्रव्य डाला और सोखा। और अब जब मैं उस कारपेट को देखती हूँ तो लगता ही नहीं कि कॉफ़ी वहाँ पर गिरी थी, वहाँ कोई दाग नहीं है।
बिल्कुल वही ईशु आपके जीवन में भी करना चाहता है। वो न केवल आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, वरन जीवन में बदलाव भी लाना चाहता है और चाहता है कि आपके जीवन में पूर्णता आए। और वो आपका मन नया बनाना चाहता है, आपके भावनाओं को चंगाई देना चाहता है, शरीर को चंगाई देना चाहता है, उत्तम सामाजिक जिंदगी देना चाहता है, आपका साथ निभाना चाहता है। देखिए, जब प्रभु आपके पक्ष में हो तो कौन आपके विरोध में आ सकता है? जब प्रभु आपके पक्ष में हो। आज आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। अगर आप पापी हैं तो आपको रक्षक की जरूरत है। आपको बस अपने आप को सौंपना होगा, ना कि ये याचना करना कि ओ कृपया प्रभु, कृपया कृपया प्रभु कृपया। नहीं नहीं, ये स्वीकारने की बात है। जिन्होंने उसे स्वीकारा उसने उन्हें सामर्थ्य दी कि प्रभु की संतान कहलाए। आप बस अपने आप को सौंप दें और उसका अनुग्रह प्राप्त करें। प्रभु चाहता है कि वो दयावान हो, लेकिन आपको अनुग्रह स्वीकारना होगा। और अनुग्रह वो दया है जिसके आप योग्य नहीं है। प्रभु आप पर दया दिखाना चाहता है, आशीष देना चाहता है और ऐसा कुछ देना चाहता है जिसके आप योग्य नहीं। वो आपके अंदर प्रवेश करके आपके भीतर का सारा भार और सारा अंधेरापन और सारी हताशता और निरुत्साहिता निकाल कर उसमें आशा और प्रकाश से भर देना चाहता है। हमारा बाहरी दिखावा क्या है, इससे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमारे पास क्या नहीं है, हमारी कितनी समस्याएं हैं, या लोग क्या कहते हैं और करते हैं। वास्तव में जो हमारे अंदर हो रहा है उससे जीवन में फर्क आता है। अगर आप अंदर से सामर्थ्य हैं तो आपके विरोध में आने वाली हर चीज का आप सामना कर सकते हैं, चाहे वो विरोध कितना भी दृढ़ क्यों ना हो। इफिसियों अध्याय 2:8-9, ये समझना बहुत जरूरी है कि उद्धार आप कमा नहीं सकते। यहां से बाहर निकलकर ये न सोचिए कि बस मुझे थोड़ा काम करना है ताकि प्रभु से रिश्ता जोड़ सकूं। ये ऐसे काम नहीं करता। पहले उसके पास आए तब वो आपको सही करेगा। आपको उसके पास आना है क्योंकि आप स्वयं को सही नहीं कर सकते, आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते, आप पाप से खुद को बचा नहीं सकते। सिर्फ प्रभु से ये मुमकिन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न्याय से छुटकारा पाया और क्रिस्त के उद्धार का भाग बनाए गए। क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह से, विश्वास द्वारा अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह उसकी सामर्थ्य है जो आपके जीवन में जो करना है उसे बिना मूल्य के कर सके। प्रभु की आमदनी यीशु क्रिस्त के खर्च पर। जानते हम किसके काबिल हैं, हम नरक जाने के ही काबिल हैं। लेकिन यीशु ने हमारा स्थान ले लिया। उसने हमारी जगह ले ली, वो आपकी जगह पर मरा, उसने आपके और साथ में मेरे और हरेक के पापों को अपने सर ले लिया। बाइबल कहती है कि जब वो क्रूस पर चढ़ा और मनुष्य का पाप उस पर आया तो उसका शारीरिक दिखावा इतना बिगड़ गया कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। उसने ये आपके लिए किया, मेरे लिए किया, और वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका विश्वास करें। एक बात बताऊं, आप अपने दिमाग से उस पर विश्वास ना करें, वरन अपने मन से करें, नहीं तो जीवन में गड़बड़ी हो जाएगी। कभी कभी जब लोग ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं तो सीधा साधा बच्चों सा विश्वास नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यीशु मेरे लिए मरा, मैं अपना जीवन बलिदान कर सकती हूं, मैंने अपना जीवन उसे अर्पित कर दिया, मैं यही करती हूं, मैं जो हूं वो हूं। क्या मैंने उसे मरते देखा है? नहीं। क्या मैं वहां थी? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता? मुझे पता है, मुझे पता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है। मैं अपने हृदय में जानती हूं, और मैं इसलिए जानती हूं क्योंकि मैंने प्रभु से प्रेम रखने और उसकी सेवा करने के परिणाम को अपने जीवन में देखा है। मुझे पता है और मैं जानती हूं कि उद्धारक जीवित है।
देखिए, जब आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं, तो आप में ऐसा कुछ है जिसे ये संसार आपसे नहीं छीन सकता और जिसे संसार समझ भी नहीं सकता। आपसे सच्चाई से कहती हूं, मैं प्रभु का वचन आपसे बांट सकती हूं, परंतु आपको विश्वास नहीं दिला सकती। अपनी कहानी आपको बता सकती हूँ, प्रभु का वचन आपसे बांट सकती हूँ, लेकिन एक ही से आप कायल हो सकते हैं और वो है पवित्र आत्मा। मुझे प्रतीत है कि वो इस समय हमारे हृदयों में काम कर रहा है, हृदय के तारों को झनझना रहा है, हृदय के दरवाजे खटखटा रहा है, और यही है कायलता। और आप में ऐसी भावना जागती है जैसे सचमुच मुझे अपना जीवन प्रभु को सौंपना होगा। शायद आपने पूरी तरह से उसे नहीं सौंपा होगा, शायद आपने उसे अंदर रहने को आमंत्रित नहीं किया होगा। प्रभु सज्जन पुरुष है, पवित्र आत्मा सज्जन है, वो आपके जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेगा। आपको लगेगा कि वो आपके हृदय का द्वार खटखटा रहा है, लेकिन आपको उसे आमंत्रित करके कहना होगा कि यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे स्वीकारता हूं, तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं एक मसीही बनना चाहता हूं, मैं तेरे रास्ते को अपना कर तेरे लिए ही अपना सारा जीवन जीना चाहता हूं। शायद आज आप यहां हैं, आपने ऐसा पहले नहीं किया होगा, शायद ऐसा करने की सोची होगी, शायद नहीं सोचा होगा कि प्रभु आपको स्वीकारेगा, शायद आपने सोचा कि आपको बहुत कुछ देना होगा। क्या आपको कुछ चीजों को देना होगा मसीही बनने के लिए? हां, पाप, परेशानी, निराशा, हिंसा, क्षमाहीनता, कड़वाहट, जलन, इन्हें छोड़ना होगा। सदा क्रोध में नहीं रहना स्वतंत्रता है, सदा चिंता न होना एक तरह की स्वतंत्रता है। जिसे पुत्र ने आजाद किया वो स्वतंत्र है। आज संसार में हर कोई स्वतंत्रता के बारे में चिल्ला रहा है, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। नहीं, आप नहीं। अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आप नहीं है, आप बस एक सुपर बंधत्व में बंधे हुए हैं। जो करना चाहे उसे करना, जिस समय चाहे उसे करना, और अपने जीवन का जितना बखेड़ा खड़ा करना चाहते उतना बखेड़ा खड़ा करना स्वतंत्रता नहीं है। क्या सच्चाई जानना चाहेंगे? जब आपको इतना कुछ बेहतर दिया जा रहा है तो उसे छोड़ना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। आइए देखते हैं पद 9, इफिसियों 2:9। और न कर्मों के कारण ना ही नियम जो मांग करते हैं उसकी पूर्ति करना, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई क्या कर सकता है, ये उसका परिणाम नहीं है। तो उद्धार आप क्या कर सकते हैं, उसका परिणाम नहीं है। हमारे पापों के लिए कितना भी अच्छा काम करना पर्याप्त नहीं है। यीशु आया और हमारी जगह में उसका स्थान सही था, वो हमारे लिए मरा, वो नरक गया और नरक की और मृत्यु की चाबियां शैतान से छीन ले गया, वो जयवंत होकर जी उठा और हमारे लिए प्रार्थना करता प्रभु की दाईं ओर बैठा है। और अंदाजा लगाइए, आपके लिए शुभ संदेश है। बाइबल कहती है जब आप यीशु को अपना रक्षक मानते हैं और वो आप में है और आप उसमें, तो बाइबल कहती है कि अगर कोई यीशु में बना रहे तो वो नया जीव है, पुरानी चीजें बीत जाएंगी और सब कुछ नया हो जाएगा। किसे ये नहीं चाहिए? लाखों लोग इस वक्त मेरा कार्यक्रम टीवी पर देख रहे होंगे सारे संसार भर में, और मैं जो संदेश इस सभा में इस वक्त दे रही हूं वो भी आप दर्शकों के लिए है। थोड़ी देर बाद जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। आप जहां भी है वहीं से अपना जीवन प्रभु को दे सकते हैं, अपना जीवन उसे सौंप सकते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके नया जीवन पा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको इस भवन में होना होगा, आप जाएं वहीं प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हर जगह है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में राज्य में प्रवेश के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या वो आपके जीवन का केंद्र है? क्या आप उसके लिए जीते हैं? क्या आप उसे हर दिन और गहराई से जान रहे हैं? अगर प्रभु आपसे आज बातें कर रहा है और अगर आप मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दे रहे हैं, तो क्या आप अपने हाथ अच्छी तरह से ऊपर उठाएंगे ताकि मैं आपको देख सकूं? इस सारे भवन के सारे लोग, मैं चाहती हूं कि पूरे भवन के लोग अपने हाथ ऊपर उठाएं। आइए, हर जगह मैं उठे हाथ देखना चाहती हूं। कम ऑन, आज ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। अपने हाथों को अच्छे से उठाइए
कोई क्या सोचेगा इसे परेशान न हो, ये आपके और उसके बीच की बात है। आज आपका जन्मदिन है, आज आपका वास्तविक जन्मदिन है। आमीन। ठीक है तो सुनिए, बाइबल कहती है कि उद्धार पाने के लिए मनुष्य को अपने मुंह से स्वीकारना होगा, हृदय से विश्वास करना होगा कि यीशु मरा और मृतकों में से जी उठा। अगर आपने हाथ उठाया क्योंकि आपका विश्वास है, तो वास्तव में आपका विश्वास है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सीट से उठकर यहाँ आ जाइए। अगर आप ऊपर बैठे तो मैं समय दूंगी कि नीचे यहाँ तक आ जाइए। जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं फौरन यहाँ आ जाइए। हालेलुया, तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब हम प्रभु की आराधना करेंगे। संत तो आप भी आइए, मैं चाहती हूँ कि हर एक प्रभु की प्रार्थना करें। क्योंकि आप सभी यहाँ आगे तक पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। धन्यवाद प्रभु अपनों की प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें नई शुरुआत देने के लिए। आपने तभी निर्णय कर लिया जब आप अपने हाथ उठाकर यहां तक आए। मैं आपके साथ सीधी सी प्रार्थना करूंगी। बाइबल कहती है कि आप प्रभु के पास बच्चों जैसे विश्वास के साथ आइए, बच्चों सा सहज विश्वास। मैं आज आपके लिए उत्तेजित हूं, सच में मैं बहुत ही खुश हूं, अद्भुत। हालेलुया। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मुझे तुझसे प्रेम है। यीशु, मेरा तुझ पे विश्वास है, विश्वास है कि तू मेरे लिए मरा, विश्वास है कि तूने मेरे लिए लहू बहाया, विश्वास है कि तूने मेरे पापों का मूल्य चुकाया। मैं एक पापी हूं, मुझे एक क्षमा कर। जो भी गलत काम मैंने किए उसके लिए मुझे क्षमा कर। तुझे स्वीकारती हूं यीशु, इसी वक्त मैं एक मसीही बनना चाहती हूं। आकर मेरे अंदर वास कर, मैं जैसी हूं वैसी ही मुझे ग्रहण कर, और जो तू चाहता है वैसा बना। मुझे तुझसे प्रेम है, तुझसे प्रेम है। तुझसे प्रेम है। हालेलुया। इसी वक्त स्वर्ग में जीवन की किताब खोली गई है और उसमें आपका नाम लिखा जा रहा है। आमीन। जन्मदिन आपको मुबारक हो। मुझे विश्वास है कि हजारों हजारों लोगों ने जो इस क्रम को देख रहे हैं मेरे साथ प्रार्थना के कारण, जिसे हम उद्धार की प्रार्थना कहते हैं, यीशु को अपना रक्षक स्वीकारा है। यह प्रार्थना यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए थी, उसे अपना रक्षक और प्रभु स्वीकारने के लिए थी। हम निश्चित करना चाहते हैं कि आप अपना नया जीवन इसी वक्त आरंभ कीजिए।